ये समझ में आ गया? मैं बताओ, ये सब थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये जो हल्की सी आर्क है, ये लगभग लगभग डायमीटर के ही बराबर होगी, क्योंकि अगर पूरा का पूरा उसका कर्वेचर देखा जाए तो वो कर्वेचर इतना बड़ा है, मून जिस पाथ में ट्रेवल कर रहा है, लूनर ऑर्बिट बोल रहा हूँ उस कर्वेचर को, तो उसके उसमें अगर हम देखें तो लगभग लगभग ये जो कर्व जा रहा है ना यहाँ से यहाँ तक, ये लगभग लगभग डायमीटर के बराबर होगा। तो डायमीटर ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ लूनर ऑर्बिट, अब मून का डायमीटर देखिए कितना दे रखा है, मून का डायमीटर है 3.48 × 10⁶ मीटर, 3.48 × 10⁶ मीटर, मीटर में दे रखा है तो बिल्कुल ठीक है, ऐसा यूनिट मीटर ही होती है। रेडियस ऑफ लूनर ऑर्बिट ये दे रखा है 3.8 × 10⁸ मीटर, 3.8 × 10⁸ मीटर। अब यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो गया, इधर रह गया 10⁻², तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ गई 3.48 × 10⁻², मतलब 100। अल्फा इतना आपने लिया है 0.91 × 10⁻², मतलब बेनिफिट जो मिलती है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, अभी के लिए क्या करना है, अभी के लिए इसको इतना ही छोड़ो आप, अभी के लिए इसको इतना ही छोड़ो। और एक चीज़ और बतानी है मुझे आपको कि जब ये अल्फा, यानी कि जब हम ये एंगल निकालते हैं, और जब भी मैं कभी ये वाला फंडा लगाता हूँ ना कि आर्क अपॉन रेडियस वाला, तो हमारा जो एंगल है वो हमेशा रेडियन में निकलता है, डिग्री में नहीं निकलता, ठीक है। तो यहाँ पर रेडियन में लिख देना कि ये जो अल्फा आया है ये रेडियन में आया है, ठीक है। अब ये देखते हैं कि इस सवाल में ये पूछ क्या रहे हैं। ये देखते हैं, इन्होंने बोला व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द इमेज ऑफ द मून फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस, डायमीटर ऑफ द इमेज ऑफ द मून फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस। तो अब एक चीज ना मुझे ये समझनी है कि जब हम ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस की बात कर रहे हैं, एक चीज नोट करेंगे, एक लाइन सीधी सी देखिएगा, एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज, एंगल सबटेंडेड बाय द, एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज, एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज will also be equal to alpha, will also be equal to alpha। ये चीज ध्यान से समझना, हमें जब ये कहा जाता है कि इमेज, जब कोई हम जब हम टेलीस्कोप की बात करते हैं और किसी फार इमेज की बात करते हैं, कि इमेज ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, कि ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पर है, तो लेंस जो है वो उसके ऑब्जेक्ट के साथ जितना एंगल बनाता है उतना ही इमेज के साथ बनाता है। ये समझने के लिए एक छोटी सी चीज़ रिकॉल करिएगा कि 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में एक क्वेश्चन आपने इस तरीके का देखा होगा कि यहाँ तो मून है, ठीक है, और यहाँ पर ऑब्जर्वर की आई है, यहाँ पर इस जगह पर ऑब्जर्वर की आई है। तो ये कहा जाता था कि अगर मून है तो मैं एक छोटे से कॉइन से क्या मैं चांद को, क्या मैं मून को ढक सकता हूँ? हम ये कहते थे कि हाँ ढका जा सकता है, यहाँ से इस तरीके से इतना हमारा पूरा का पूरा एंगल बनेगा, आई पर जो एंगल बनेगा, तो हम अगर थोड़ा सा आई के नज़दीक, तो आई इज ऑल्सो लेंस, इसके नज़दीक अगर लाकर मैं किसी कॉइन को इतने इस तरह से एडजस्ट करूँ तो कॉइन जो है वो लगभग लगभग मून को ढक लेता है, ठीक है, देखने में ऐसा दिखाई देता है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो इतना सा जो कॉइन है उसने पूरे के पूरे चांद को ढक दिया, ऐसा तो नहीं होता, लेकिन है क्या कि जो एंगल है वो एंगल हमेशा सेम बनेगा। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस पर भी एंगल हमारा अल्फा ही बनेगा। तो आप ये देखिएगा कि अल्फा हम यहाँ पर निकाल चुके हैं, तो अल्फा इज इक्वल टू, ये स्टार बनाकर लिख रहा हूँ मैं, अल्फा इज इक्वल टू
डायमीटर ऑफ इमेज ऑफ मून, डायमीटर ऑफ इमेज ऑफ मून अपॉन फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस डी अपॉन एफ, ये करा था, एंगल जो है वो होता है डी अपॉन एफ, ठीक है। तो अब अल्फा इज इक्वल टू जो इमेज ऑफ मून है उसका जो डायमीटर है उसको आप स्मॉल डी बोल दीजिए और फोकल लेंथ बताइए कितना दे रखा है। फोकल लेंथ दे रखा है 15 मीटर, फोकल लेंथ 15 मीटर है उसको 15 ही रहने देंगे और कॉन्वेक्स लेंस यूज होते हैं दोनों ही केसेस में, चाहे टेलीस्कोप हो चाहे माइक्रोस्कोप हो, तो वो जो फोकल लेंथ है वो हमेशा पॉजिटिव होगा प्लस का 15। तो अल्फा इज इक्वल टू डी अपॉन 15। इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ से इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर वन, अल्फा की वैल्यू यहाँ से इक्वेशन नंबर वन और यहाँ से इक्वेशन नंबर टू दोनों को इक्वेट कर दीजिए। इक्वेटिंग इक्वेशन वन एंड टू, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को अगर इक्वेट कर दूंगा तो डी अपॉन 15 d upon 15 is equal to 3.48 upon 3.8 multiplied by 100, ये आ रहा है। तो d निकालेंगे तो 15 इधर आ जाएगा, d is equal to 3.48 multiplied by 15 upon 3.8 into 100। करिए जी इसको सिंप्लीफाई, लाइन समझ में आ गया कि नहीं ये बताओ। तो कुल मिलाकर ये समझिए डायमीटर ऑफ इमेज ऑफ मून का मतलब क्या है कि आप इमेज समझिए, बस आप इमेज समझिए। अगर मान लीजिए मैं चांद को देख रहा हूँ ना, ऑब्जेक्ट चांद है, तो आप ये समझ लीजिए कि जो इसका डायमीटर है ना, जो इसका डायमीटर है, अगर इस डायमीटर की पूरी हाइट की अगर मैं बात करूं तो इसी को आप एक तरह से मान लीजिए कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। और इसी तरीके से अगर मैं मून की इमेज की बात कर रहा हूं तो इमेज का जो डायमीटर होगा वो एक तरह से आप समझ लीजिए कि वो हमारा हाइट ऑफ इमेज हो गया, इतना समझिए। और फिर जो टेलीस्कोप वाला है उसके जरा रिलेशंस देखो, आप बताता हूँ अभी, एक मिनट, नोट्स हैं अभी नोट्स हैं अभी बताता हूँ कौन सा वाला टॉपिक है ये आपका। हाँ वो फॉर्मूला याद है, वो ये जाएगा सेकंड वो डी अपॉन एफ वाला, वो फॉर्मूला तो याद है ना। हाँ हाँ वो याद, हाँ तो बस वही यूज़ कर रहे हैं। और ये समझना कि यहाँ से एक मिनट, तो ये जो डी अपॉन एफ वाला फॉर्मूला हमारा आया है ना, ये एंगल निकालने का आया है, और जो ऑब्जेक्टिव के साथ में जो एंगल बनता है वो अल्फा ही बनता है, उसको अल्फा बोलते हैं, और जो आई पीस के साथ में एंगल बनता है उसको बीटा बोल देते हैं। समझ गए, ठीक है। और जो ये क्वेश्चन पूछा है ना तुमने, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये 2008 में भी आया है, 2011 में भी आया है, 2015 में भी आया है। 2008 और 2011 में तो आया है ये आउटसाइड दिल्ली में जो आप लोग एग्जाम देंगे, और 2015 में यही सेम क्वेश्चन जो है ये दिल्ली वाले सीबीएसई का आया है, तो इसमें मेंशन कर रखी है जी। अब इसके बाद सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन रह गया, बताओ कर लोगे। इंटरनेट की प्रॉब्लम है, ठीक है। 15 मिनट्स ऑफ 120, 12 इधर कह लिया गया, 15 फॉर द 60, 60 और 12 कितना हो गया? 52.2। अरे 60 और 12 72, हाँ ठीक है, पॉइंट इधर लग गया, 7 कह लिया गया, और 15 थ्री सा 45 और 7 52.20, ये बोल रहे थे? हाँ यस। चलिए अपॉन 3.8 इंटू, ये जो इंटू 100 है ना, इंटू 100, इसको यहाँ पर 10 की पावर माइनस 2 कर दो, 10 की पावर माइनस 2। ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि 10 की पावर माइनस 2 से अगर किसी भी टर्म को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका मतलब होता है सेंटी, तो ये सेंटीमीटर में हो जाएगा, ठीक है। 52.20 को 3.8 से डिवाइड कर दो, एक मिनट, 52.20
0 divided by 13.73 और आंसर भी इसका यही आंसर है 13.73 सेंटीमीटर 13.73 सेंटीमीटर। और इसी तरीके से जैसे आपने 14th क्वेश्चन पूछा ना, ये एनसीईआरटी का जो 15th क्वेश्चन है, 15th क्वेश्चन सीबीएसई दिल्ली में आया 2015 में, आउटसाइड दिल्ली में 2017 में, और इसका जो बी पार्ट है वो 2016 में आया और जो डी पार्ट है वो 2011 में आया। ये भी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, पर एक मिनट पर इसको छोड़ दे, इसको छोड़ देना, मिरर वाला है, मिरर वाला सिलेबस में नहीं है। हाँ अरे बताओ, 17 में क्या है देखता हूँ, एक मिनट रुको, 16 17 टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, इसमें फिगर दे रखी है, ये बोल रहे हैं कि फिगर दिस शोज अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लाइट पाइप मेड ऑफ अ ग्लास फाइबर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.68, द आउटर कवरिंग ऑफ द पाइप इज मेड ऑफ अ मटीरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.44। अच्छा आउटर कवरिंग जो है द लाइट पाइप मेड ऑफ ग्लास फाइबर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.44, द आउटर कवरिंग ऑफ द पाइप इज मेड ऑफ अ मटीरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.68। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं एनसीईआरटी का, इसमें एक ना हमको ऑप्टिकल फाइबर दे रखा है, इसमें ऑप्टिकल फाइबर दे रखा है, देखिए किस तरीके से है, ये जो अंदर वाला पूरा मटेरियल है, अंदर खोखला नहीं है, खाली नहीं है, अंदर वाला तो ग्लास के फाइबर का बना हुआ है, और जो बाहर वाला मटेरियल है, हमारे मटेरियल जो है वो किसी और मटेरियल का बना हुआ, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और है। जरा देखिएगा, हमने ये कह दिया कि यहाँ पर शोज अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लाइट पाइप मेड ऑफ ग्लास फाइबर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.68, द आउटर कवरिंग ऑफ द पाइप, आउटर कवरिंग ऑफ द पाइप मेड ऑफ अ मटीरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.44। तो ये वाला जो है मटीरियल, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है न्यूवन बोल देंगे 1.44, और ये जो अंदर वाला है, अंदर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको बोलेंगे न्यू टू, ये है 1.68। तो होता क्या है, होता ये है कि यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका ज़्यादा होता है ना, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है वो मीडियम जो है वो हमारा डेंसर मीडियम होता है, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है वो होता है रेयर मीडियम। तो यहाँ पर अगर 1.68 लिखा हुआ है तो मैं इसको म्यू टू क्यों बोल रहा हूँ, कि हमेशा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जब भी केस होगा तो लाइट वेव्स हमेशा डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रैवल करेंगी। क्वेश्चन देखकर मुझे समझ में आ गया कि ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन है। देखिए ये बोल रहे हैं ना, आउटर कवरिंग ऑफ द पाइप इज मेड ऑफ अ मटीरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.44, व्हाट इज द रेंज ऑफ द एंगल्स ऑफ इंसिडेंट रेज विद द एक्सिस ऑफ द पाइप फॉर विच टोटल रिफ्लेक्शन इनसाइड द पाइप टेक प्लेस एज शोन। ठीक है, अच्छा तो यहाँ से अगर मान लीजिए कोई लाइट रे इस तरह से ट्रैवल कर रही है, ऐसे टकराएगी, टकरा कर फिर वापस आएगी, बाहर नहीं निकल सकती, फिर आएगी, फिर ऐसे टकरा कर फिर वापस, मतलब रहना उसको जो वेव्स हैं, जो रेज हैं, रेज को रहना अंदर ही है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब ये है कि रेज जो है वो बाहर नहीं जाएंगी, वो अंदर ही रहेंगी। इसमें देखिएगा, सबसे पहले तो क्रिटिकल एंगल निकालना होगा, यहाँ पर म्यू टू की वैल्यू 1.68 है, और जो म्यू वन है इसकी वैल्यू दे रखी है 1.44। इसके बाद
ये कहते हैं कि भाई क्रिटिकल एंगल इस काम निकालेंगे, क्रिटिकल एंगल देखो कैसे निकलेगा। क्रिटिकल एंगल निकालने के लिए क्या होता है कि क्रिटिकल एंगल वो वाला एंगल होता है जिसमें, ध्यान से समझना, क्रिटिकल एंगल वो वाला होता है जिसमें अगर लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है तो रेयरर मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री होता है, उसको क्रिटिकल एंगल बोल देते हैं। तो आप ये देखो कि यहाँ से ये डेंसर मीडियम है, डेंसर से रेयरर में लाइट रे जाने की कोशिश करेगी, जा नहीं पाएगी, ठीक। तो हम ये कहेंगे कि आई इज इक्वल टू आई सी, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल कहलाता है व्हेन आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होता है तब एंगल ऑफ इंसिडेंस को ही हम क्रिटिकल एंगल बोल देते हैं। तो ये तो आई और आर हो गया। उसके बाद लाइट रे कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रही है, वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रैवल कर रही है। तो ये जो म्यू टू लिखा हुआ है ना, ये म्यू टू का मतलब क्या है कि ये है ए म्यू टू। ए म्यू टू मतलब अगर लाइट रे एयर से जब भी कभी किसी का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे रखा होता है, जैसे मान लीजिए मुझे दे रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो वो विद रिस्पेक्ट टू एयर दिया जाता है हमको, तो ये दे रखा है ए म्यू टू। इसी तरीके से ये वाला जो दे रखा है ये दे रखा है ए म्यू वन। तो अब हम क्या करेंगे, हमें ऐसे लिखना होगा साइन आई सी अपॉन, या पहले साइन आई अपॉन साइन आर लिखो, साइन आई अपॉन साइन आर। ये डेंसर मीडियम है, डेंसर, और ये जो बाहर ये वाला जो मीडियम है ये वाला, ये है रेयरर, ठीक है। बाहर तो एयर है, ठीक है, ये रेयरर है। तो वो रेयरर मीडियम ही कुछ इस तरीके का है कि वो उसको बाहर निकलने नहीं देगा लाइट रेस, वो अंदर ही अंदर रहेगी लाइट रेस। तो अब देखिएगा डेंसर मीडियम मतलब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में हम जा रहे हैं, डेंसर से रेयरर में हम जा रहे हैं, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा डेंसर से रेयरर में जा रहे हैं ना, तो डेंसर क्या है 2 और रेयरर क्या है 1, तो 2 म्यू 1 हो जाएगा ये। मेरी बात समझ में आ गई, 2 म्यू 1, यस सर, ठीक है। अब ये जो 2 म्यू 1 है, इस 2 म्यू 1 का मतलब क्या है, इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। तो 2 म्यू 1 को हम इस तरह से लिखते हैं, जैसे ये तो हो गया साइन आई सी और ये हो गया साइन 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा म्यू 1 अपॉन म्यू 2, उल्टा लिखा जाता है म्यू 1 अपॉन म्यू 2। और अगर स्पीड के टर्म्स में लिखना होता तो हम सेकंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में जा रहे हैं, तो ता होता वी टू अपॉन वी वन, स्पीड ऑफ राइटिंग मीडियम 2 अपॉन स्पीड ऑफ राइटिंग मीडियम 1। स्पीड के रिस्पेक्ट में लिखते तो ऐसे लिखते हैं, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर लिखा जाएगा तो पहले बाद वाला आएगा अपॉन पहले वाला, तो म्यू 1 अपॉन म्यू 2 ये हो गया, क्योंकि हम सेकंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में जाने की कोशिश कर रहे हैं। जा नहीं पा रहे वो अलग बात है, क्योंकि टी आई आर, इसीलिए 90 डिग्री एंगल लिखा है। तो अब आप देखो साइन 90 डिग्री तो 1 हो गया, तो साइन आई सी अपॉन 1 इज इक्वल टू म्यू 1 अपॉन म्यू 2। म्यू 1 कितना है 1.44 और म्यू 2 कितना है 1.68, ठीक है, 1.44 अपॉन 1.68। तो भाई ये जो आई सी निकला है, अब इसकी वैल्यू मैं जानता नहीं कैसे निकलेगी, तो हम इसको लिखेंगे कैसे, हम लिख देंगे इसको सर एनसीईआरटी में ना बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसी वैल्यू आ रही है, तो उसको निकालने का कोई तरीका नहीं। कोई बात नहीं, वो जो वैल्यूज है ना, वो वैल्यूज उस टाइम की आ रही है जब आपको ना, जब मतलब सीबीएसई वाले बच्चों को टेबल मिला करती थी, जब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल मिला करती थी, वो वैल्यू उस टाइम की, उस टाइम के क्वेश्चन से ही, तो वो वैल्यू दे रखी है। आपको क्या करना है देखिएगा, मैं बताऊंगा, आप ये साइन आई सी इज इक्वल टू 1.44 अपॉन 1.68 आया, आप इसको इतना ही छोड़ दो बस, साइन आई सी इज इक्वल टू 1.44 अपॉन 1.68, इतना ये करके छोड़ दीजिए। इसके बाद अब कंडीशन आती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, तो आप यहाँ पर लिखेंगे टी आई आर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विल अकर
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विल अकर। ये जो हमने क्रिटिकल एंगल निकाला है, क्रिटिकल एंगल में तो क्या होता है, क्रिटिकल एंगल में हमारा ये अगर मान लीजिए इस तरह से ये स्ट्राइक कर रहा है तो यहाँ पर तो हमारा हो गया नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है इंसिडेंट रे, वो तो हो गया हमारा आई एंगल ऑफ इंसिडेंस। अच्छा अगर मान लीजिए ये आई सी है तो जो हमारी रिफ्रैक्टेड रे है वो ऐसे हो जाएगी, मतलब नॉर्मल के साथ वो पूरा पूरा 90 डिग्री का एंगल बना देगी, ये होता है ठीक है। तो अब सवाल ये उठता है कि नहीं भाई मेरे को तो मतलब रिफ्रैक्टेड रे जो है वो मेरे को इस वाली जो आउटर कवरिंग के अलाउड नहीं बनानी, मैं तो चाहता हूँ वो रिफ्रैक्ट होकर अंदर आ जाए। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टी आई आर लगकर व्हेन आई इज ग्रेटर देन आई सी, जब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। अच्छा इसके लिए क्या लिखेंगे, इज ग्रेटर देन आई सी इंप्लाइज दैट आर इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ओके आई इज ग्रेटर देन आई सी आर इज लेस देन आर एक्स। ये समझ में आया नहीं आया, अगर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा तो जो हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ना वो जो मैक्सिमम होगा, क्योंकि आप ये देख लीजिए साइन आई है साइन आर है, तो अगर इन दोनों को बैलेंस रखना है, साइन आई अपॉन साइन आर, स्नेल्स लॉ बोलता है कि साइन आई अपॉन साइन आर ये कांस्टेंट के बराबर होता है, कांस्टेंट होता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आप ये देखिएगा कि अगर साइन आई साइन मतलब अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा रहा हूँ क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा कर रहा हूँ तो कुल मिलाकर मैं साइन आई को बढ़ा रहा हूँ है ना, तो क्योंकि साइन की वैल्यू आप ये देखिए 0 डिग्री से 90 डिग्री तक भी अगर मैं देखूँ तो साइन की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती है, तो अगर आई की वैल्यू मैं बढ़ा रहा हूँ तो कुल मिलाकर साइन आई की वैल्यू बढ़ रही है। अगर न्यूमरेटर बढ़ रहा है तो इस फ्रैक्शन को बैलेंस रखने के लिए कि इसका जो रेशो है वो कांस्टेंट के इक्वल आए आर को घटना होगा, और जब आर घटेगा तो साइन आर घटेगा। तो अगर आपने न्यूमरेटर को थोड़ा सा बढ़ा दिया और डिनोमिनेटर को उसी रेशो में कम कर दिया तो आपका जो ओवरऑल रेशो है दैट विल रिमेन कांस्टेंट, तो स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन फॉलो होगा। तो इसलिए अगर मैं बोलता हूँ कि आई आई सी से बड़ा है तो जो आर है वो आर मैक्स से छोटा होना चाहिए, ये जो आई सी है ये एक्चुअली आई मैक्स ही समझ लो इसको, ये आई मैक्स ही हो गया कि मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो सकता है ठीक है। तो अगर वो उससे बड़ा हो जाएगा तो हम ये बोलेंगे कि हाँ आर जो है वो आर मैक्स से छोटा होगा। तो यहाँ पर यूजिंग स्नेल्स लॉ साइन आई मैक्स अपॉन साइन आर मैक्स इसको क्या बोलते हैं इज इक्वल टू इसको 1.68 क्यों बोल रहा हूँ मैं, इसको 1.68 इस वजह से कहा जा रहा है क्योंकि हमने ये कहा कि भाई हमें अब जो भी जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अगर करवाना है ना तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में जो मतलब हम अंदर ही अंदर रहेंगे, हमें बाहर जाने नहीं है ठीक है। तो अंदर रहेंगे तो जो डेंसर वाला मीडियम है डेंसर वाले मीडियम का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया जाएगा, और जब डेंसर वाले मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहा हूँ मैं पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ म्यू टू की। अब अगर सिर्फ म्यू टू की बात कर रहा हूँ तो वो म्यू टू क्या होगा, वो हमारा होगा बेटा ए म्यू टू मतलब जो भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं वो एयर के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है। तो आप ये देखिएगा कि साइन आई मैक्स मतलब ये है कि आप मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना रख सकते हैं, तो मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस आप जितना भी रखोगे आपका जो रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी आपका कहाँ लाई कर रहा है पर सेम मीडियम के अंदर,
तो सेम मीडियम के अंदर लाई कर रहा है, तो इसका मतलब हमें एक मीडियम से दूसरे मीडियम में हम जा ही नहीं रहे, हम इसी मीडियम के रह रहे हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसी मीडियम का यूज़ करा जाएगा, यानी कि 8 into 2 यानी कि 1.68 यूज़ करा जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। बताइए इसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पर साइन आई मैक्स is equal to a mu 2 यानी कि 1.68 multiplied by sin r max। अब ये sin r max कैसे निकलेगा? sin r max कैसे निकलेगा वो देखिएगा कि जो हमारा यहाँ पर angle of refraction था वो था 90 degree, जो IC आया था ना, IC की वैल्यू ये आई थी, इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1.44 अपॉन 1.68, 1.44 अपॉन 1.68, इसको डिवाइड करके देखना कितनी वैल्यू आ रही है, कोई जाने पहचाने वैल्यू आ रही है कि नहीं, पॉइंट गया इधर पॉइंट गया, तो 2 आउट कौन सा 72 सा और 2 0.87 84 84 हो गया। हां जी, हो गया। साइन इनवर्स कितना आ रहा है? 0.857 0.857 है। हां बोलो। साइन आई मैक्स साइन आईसी नहीं होगा? मैं आपको बताता हूं कि साइन आई मैक्स का मतलब क्या है, कि आईसी जो है, आईसी वो क्रिटिकल एंगल है जिस क्रिटिकल एंगल पर रे ऑफ लाइट जो है दूसरे मीडियम में जाएगी नहीं, बस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जिसमें 90 डिग्री हो जाएगा। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए मुझे क्या करना है कि मेरा जो ये आई है ना, आई मैक्स या ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा, तो साइन आई सी नहीं होगा, ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा। अब यहाँ पर जैसे 0.857 है, तो 0.857 को जरा ये चेक करो, हमारे पास जो अवेलेबल वैल्यूज हैं वो अवेलेबल वैल्यूज क्या क्या हैं ये देखना है मुझे। मैं इस तरफ कर रहा हूं, जो हमारे पास साइन की अवेलेबल वैल्यूज है ना, साइन थीटा की, वो जरा देखते हैं, उन्हीं में से कुछ ना कुछ आएगा, अभी देखना आप जरा। जैसे 0 डिग्री है और मैं साइन थीटा की बात करूं तो रिजल्ट आता है इसका 0, अगर 30 डिग्री है तो रिजल्ट आता है 1/2, 45 डिग्री 1/√2, 60 डिग्री कितना हो जाता है 3/2, और 90 डिग्री पर 1। ये वैल्यू तो हो गई 0, ये वैल्यू हो गई 0.500। 1/√2 अगर इसको हम रैशनलाइज करें ना, तो √2 × √2 डिनोमिनेटर में, तो 2 हो जाएगा, 1.2 बन गया था 0.707। और ये वाली वैल्यू रूट 3/2, इसको जरा देखो 1.732 डिवाइडेड बाय 2 0.817 माइनस 16 कितना हो गया 1 13 हो गया 0.86 और 6 0.866। तो ये जो 857 है ये 0.866 से जरा सा ही तो छोटा है, ये वाली वैल्यू आ रही है 0.866, ठीक 60 डिग्री वाली, और हमारी जो वैल्यू आ रही थी वो आ रही थी 0.857। तो इसको आप ना ऐसे अप्रोक्सीमेट वाला साइन बनाकर, अगर मान लीजिए 0.866 आ जाता है यहाँ पर, ठीक है, तो आप क्या कहते हैं, आप उसको 60 डिग्री बोल देते हैं, लेकिन ये उससे थोड़ा सा कम आ रहा है, तो इसको आप बोल दीजिए 59 डिग्री, बोला जा सकता है कि नहीं। और हमारे पास ज़्यादातर जो वैल्यूज आएंगे ना, जिसमें आपको बिल्कुल अजीब एंगल मिलेंगे, तो वहाँ पर आप ये देख लेना, आपको जनरली जब रे ऑप्टिक्स की बात करेंगे तो जनरली आपके पास साइन थीटा की वैल्यू आएगी, तो या तो इस वैल्यू से थोड़ी सी छोटी या थोड़ी सी बड़ी वैल्यू आएगी, या इससे थोड़ी सी छोटी थोड़ी सी बड़ी, तो आप 1 या 2 डिग्री ऊपर नीचे कर लेना बस, समझ गए कि नहीं बताओ? ठीक है, तो मैंने इसको बोल दिया 59 डिग्री, ठीक है, ये मैंने अभी क्या निकाला क्रिटिकल एंगल। अब मेरी बात ध्यान से समझना, ये एक सरफेस है,
ये एक सरफेस है, यहाँ पर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यहाँ पर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसको मैं आई सी बोल रहा हूँ, एंगल सॉरी आई टू एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ बनेगा जिसको मैं आई सी बोल रहा हूँ। अभी मुझे आई सी की वैल्यू पता है 59 डिग्री है, आता हूँ अभी उस पर। अब ये जो है ये डबल लाइन छोड़ो, इससे कन्फ्यूजन ही होगा। तो यहाँ पर हमारा ये इंसिडेंट रे हुई, ये रिफ्रैक्टेड रे हुई, रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ क्या एंगल बना रही है, नॉर्मल के साथ इसने 90 डिग्री एंगल बनाया, ठीक है। अब हमने क्या करा, हमने इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को जरा सा और बढ़ा दिया, ठीक है, जरा सा और बढ़ाते ही ये अंदर आ जाएगा। अगला केस देखना, यहीं पर बनाकर दिखा रहा हूँ, अब जो ये एंगल है आई, यहाँ पर जो ये आई है इट इज ग्रेटर देन आई सी, ये आई सी से जरा सा बड़ा है। आपको मामूली सा ही बड़ा करना है, मामूली सा बड़ा करते ही ये जो है ये आपका इधर आ जाएगा, रिफ्रैक्टेड रे आपके अंदर आ जाएगी, ये रिफ्रैक्टेड रे अंदर आ गई, बताइए क्लियर है कि नहीं, समझ गए। तो अब हाँ, तो अब आप ये देखो कि मैंने इसको 59 डिग्री से मामूली सा बढ़ा दिया, 59 डिग्री से मामूली सा बढ़ा दिया मतलब कितना करा, आई ग्रेटर देन आई सी कर दिया, इट इम्प्लाइज दैट लेट आई इज इक्वल टू 60 डिग्री, समझ गए। आपको जरा सा बढ़ा देना है बस, आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करवाना है तो एंगल लेना आपके हाथ में। आपको ये समझ में आ गया कि ये 60 डिग्री से जरा सा छोटा था, ठीक है, तो आप इसको 59 डिग्री था, आप इसको 60 डिग्री कर दो। भाई मुझे रे को बाहर नहीं निकलवाना, मुझे रे को वापस अंदर लाना है, ठीक। तो यहाँ पर जो हमारा ये जो आई मैक्स है, समझ रहे हैं, ये जो आई मैक्स है ये 60 डिग्री हो गया। तो आप क्या करो, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू 1.68 इंटू साइन आर मैक्स, साइन आर मैक्स ये हो जाएगा, और यहीं से अब आपको कुछ भी आर मैक्स वगैरह कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा ये बोलेंगे आई मैक्स इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। तो और यहाँ लिख देना फॉर टी आई आर, बताइए मेरी बात समझ में आ गई। हाँ जी बोलो। अगर हम ये सब चीजें नहीं, मतलब जब आपने साइन आपको ये चीज बताने की भी जरूरत नहीं थी। हाँ वही वही। हाँ आपको ये चीज बताने की भी जरूरत नहीं थी। आप क्या करेंगे इसमें, सिंपल तरीका बस इतना ध्यान रखिए कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि आप टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन बताएं, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन ये होती है कि आई जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है, बस इतना होती है उसकी कंडीशन। और जो हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, हमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं निकालना होता उसमें, हमें बस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन बतानी है कि आई शुड बी ग्रेटर देन आई सी, और जो हमारा आई सी है वो आई सी अप्रॉक्सीमेटली 59 डिग्री आ रहा है, तो आप बस उसको ज़रा सा बढ़ा दो। बस मुझे जो रिफ्रैक्टेड रे है, मुझे जो रे है उसको, रे को दूसरे मीडियम में जाने नहीं देना, मैं चाहता हूँ कि वो घूम फिर कर हमारे मीडियम में आ जाए वापस। तो आप बस यहाँ पर इतना जो आपका है ना 59 डिग्री, आप ये वाला पोर्शन भी छोड़ देना, आप ये वाला पोर्शन भी छोड़ देना, इसकी ज़रूरत नहीं है। आप सीधा सीधा ये बोलना 59 डिग्री है, तो आई को 60 डिग्री लिख दो फॉर टी आई आर। क्लियर है कि नहीं बताओ, ठीक है। तो देखिए मैं जो हूँ, मैं आज रात तक बिल्कुल फ्री हो जाऊँगा, टेंथ का मैथ्स का एग्ज़ाम हो चुका है और साइंस का एग्ज़ाम कर है, उसके बाद जो है कल से सुबह का आपका टाइम रखेंगे, टाइम वही रखेंगे सुबह 9:30 बजे का, 9:30 ठीक है, 9:30 जो ऑफलाइन आना चाहे ऑफलाइन। हाँ जी बोलो। बी पार्ट भी है। अच्छा बी पार्ट भी है, मैंने देखा ही। व्हाट इज द रेंज ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट रेज विद द एक्सिस ऑफ द लाइट फॉर व्हिच टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज प्लस। यार इसमें तो ये पार्ट दे रखा है बस, कोई पार्ट दे ही नहीं रखा सर, एनसीईआरटी में ए और बी दे रखा है, मैं एंगल बोल रहा हूं। अच्छा चलो ठीक है, कल देखता हूँ इसको, मैं कल देखता हूँ इसको। सर जो बस यही है कि अगर देयर इज नो आउटर कवरिंग ऑफ द पाइप,
तो फिर हमारा क्या आंसर होगा, मतलब आउटर कवरिंग ऑफ पाइप नहीं है। आउटर कवरिंग ऑफ पाइप अगर है ही नहीं तो फिर तो यहाँ से सीधा एयर में निकल जाएगा। चलिए कल देखता हूँ, इसको कंटिन्यू करते हैं कल सुबह, ठीक है? चलिए जी, ओके।